जम्मू कश्मीर में कुछ वर्ष पहले तक बिका करती थी नौकरियां। समय था जब नौकरियां बिका करती थी, वो जमाना चला गया है। ये बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने आज दिया है और उनका उन्होंने कहा है कि अब वो वक्त वो दौर चला गया जब जम्मू कश्मीर में नौकरियां बेची और खरीदी जाती थी। जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा और जूनियर इंजीनियर की भर्ती की परीक्षा, अनियमितता की शिकायतें पाई गई थी, बिना देरी एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला किया गया कि जो संदेह लोगों के मन में है ये समाप्त होना चाहिए, इसलिए परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये हम भरोसा दे सकते हैं कि जिन लोगों ने हिमाकत की है गड़बड़ी की, वो बच नहीं सकते हैं। कानून अपना काम करेगा और कठोर से कठोर दंड उन्हें दिया जाएगा। मैं उन बच्चों की परेशानी भी समझता हूं जिन्होंने परीक्षा दी होगी, उनको भरोसा देना चाहता हूं कि आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अक्टूबर माह में परीक्षाएं तीनों खत्म कर देंगे। जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो हमारे नौजवान योग्य हैं, वो निश्चित रूप से उसमें चुने जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी और कारण से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी मिल जाएगी, तो ये माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है कि ऐसा हम लोग पिछले 2 साल में न होने दिए हैं और न होने देंगे। योग्यता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं। पहले एक समय था जब नौकरियां बिका करती थी, वो जमाना चला गया है। मैं समझता हूँ ये बात सबको समझने की जरूरत है। ये उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में हाल ही में जो रिक्रूटमेंट स्क्रैप की गई, इसके साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट स्क्रैप की गई, उनके एस्पायरेंट्स के साथ जोड़ते हुए बताया है कि अब वो दौर चला गया जब नौकरियां बेचा और खरीदा जाती थी। आज के दौर में आपको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरियाँ मिलेंगी। अक्टूबर में उन्होंने कहा है कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो हम फिर कर देंगे और साथ ही में जो स्क्रैप हुआ उसमें सीबीआई जांच जो है वो बिठाई गई है। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर में क्या वो सरकारें उस समय नौकरियां बेचा करती थी, नौकरियां खरीदने का काम जो है वो लोग किया करते थे जिन सरकारों के समय के बाद जम्मू कश्मीर में इस कुर्सी पर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी बैठे हैं और उनके मुंह से जो है ये बयान आज निकला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना दिवस पर आज वो जब यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थे तब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और इस बयान की चर्चा यूनिवर्सिटी में देखी जा रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय देखी जा रही है। क्या कुछ कहना है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा और जूनियर इंजीनियर की भर्ती की परीक्षा, अनियमितता की शिकायतें पाई गई थी, बिना देरी एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला किया गया कि जो संदेह लोगों के मन में है ये समाप्त होना चाहिए, इसलिए परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये हम भरोसा दे सकते हैं कि जिन लोगों ने हिमाकत की है गड़बड़ी की, वो बच नहीं सकते हैं। कानून अपना काम करेगा और कठोर से कठोर दंड उन्हें दिया जाएगा। मैं उन बच्चों की परेशानी भी समझता हूँ जिन्होंने परीक्षा दी होगी, उनको भरोसा देना चाहता हूँ कि आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अक्टूबर माह में परीक्षाएं तीनों खत्म कर देंगे। जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो हमारे नौजवान योग्य हैं, वो निश्चित रूप से उसमें चुने जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी और कारण से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी मिल जाएगी, तो ये माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है कि ऐसा हम लोग पिछले 2 साल में न होने दिए हैं और न होने देंगे। योग्यता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं। पहले एक समय था जब नौकरियां बिका करती थी, वो जमाना चला गया है। मैं समझता हूँ ये बात सबको समझने की जरूरत है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम विकास